हे दोस्तों, जैसे कि आपने अभी जो एफ एक्सप्लोडिंग लोगो रिवील एनिमेशन इंट्रो देखा, सेम वैसा ही इंट्रो अपने एंड्रॉइड फोन को यूज करके काइन मास्टर की मदद से कैसे क्रिएट करना है आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह का एफ एक्सप्लोडिंग लोगो रिवील एनिमेशन इंट्रो को क्रिएट करने के लिए हमेशा की तरह आपको एक ही ऐप को यूज करना है जिसका नाम है काइन मास्टर। दोस्तों अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पर मैंने इसका फ्री वर्जन का लिंक दे दिया है, वहां पर आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों काइन मास्टर भी ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है पर क्रिएट न्यू के ऊपर और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट आपको ओपन कर लेना है। कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले जाना है पर इमेजेस के अंदर और यहाँ पर से दोस्तों आपको एक ब्लैक कलर का इमेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और इसको आ जाना है बैक। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक करना है और इसकी जो ड्यूरेशन है दोस्तों आपको कर लेना है यहाँ पर 12 सेकंड्स आपको यहाँ पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 12 सेकंड्स रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12 सेकंड्स आपको रखना है और इसको कर लेना है ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों आ जाना है इसके स्टार्टिंग पोजिशन पर और अभी आपको जाना है यहाँ पर लेयर के अंदर और मीडिया के अंदर जाना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोटेज है, 12 सेकंड्स की फोटेज है, इसके लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसको इस तरह से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही दोस्तों उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वीडियो आपको यहाँ पर टाइम लाइन पर शो करेगा। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसकी जो लेंथ है दोस्तों इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन इसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों इसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है। फिर यहाँ पर थोड़ा दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रोमा की के नाम से, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डिसेबल है, आपको क्या करना है इसको इस तरह से एनेबल करना है और इसको कर लेना है ओके। फिर से दोस्तों आ जाना है इसके स्टार्टिंग पोजिशन पर और जाना है आपको लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाना है और इस बार दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपका लोगो है उसको दोस्तों यहाँ पर आपको लोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपना चैनल का लोगो यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको लोड करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों जाना आपको यहाँ पर इन एनिमेशन के अंदर और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, पर आपको फेड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है ओके। फिर से दोस्तों आपकी जो लोगो वाली लेयर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसकी जो ड्यूरेशन है दोस्तों जितनी बैकग्राउंड वीडियो है उतना आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको करना है और इसको कर लेना है ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन फुटेज है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर दोस्तों आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको कर लेना है ओके। फिर दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.6 तक आपको आना है, यहाँ पर आप देख लीजिए 7.6। इतना आने के बाद में दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर लेयर के अंदर और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन है टेक्स्ट, इसके अंदर आपको जाना है और अब आपको दोस्तों क्या करना है, जो भी आपका चैनल का नाम है दोस्तों उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपना चैनल का नाम लिख लिया है और इसको कर लेना है ओके। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से शो करेगा। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इस तरह से इसको ड्रैग करके आपके लोगो के नीचे आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको रखना है। फिर उसके बाद में दोस्तों इसका फॉन्ट जो है आपको चेंज करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है ए करके, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इतने सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट दोस्तों आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक फॉन्ट सेलेक्ट करके रखा है, इसको यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा और इसको आ जाना है बैग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसका जो कलर भी है दोस्तों उसको भी चेंज करना है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पर एक ऑप्शन है कलर का ऑप्शन, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इतने सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, जो भी कलर दोस्तों आपको अच्छा लगता है वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस कलर को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको कर लेना है ओके। जैसे ही दोस्तों कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इस टेक्स्ट के अंदर आपको एनिमेशन देना है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जाना यहाँ पर सिंपली इन एनिमेशन के अंदर और यहाँ पर थोड़ा दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेटर बाय लेटर के नाम से, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसकी जो एनिमेशन स्पीड है 1 रख लेना है और इसको कर देना है ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों इसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट ऑप्शन के नाम से, इसके अंदर आपको जाना है। फिर यहाँ पर थोड़ा दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है कैरेक्टर करके, ये 0 रहेगा। आपको दोस्तों क्या करना है, इसका जो कैरेक्टर है आपको 20 आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 इतना आपको रखना है और इसको कर लेना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। चलिए इसे एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके आप भी अपने एंड्रॉइड फोन में काइन मास्टर की वजह से इस तरह के एफ एक्सप्लोडिंग लोगो रिवील एनिमेशन इंट्रोस आप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।